कपड़े तो पुराने हैं आपके। हाँ कपड़े पुराने हैं क्योंकि मैंने बताया था जैसे कि लास्ट व्लॉग में कि आपको मैं नए व्लॉग में मिलूंगी इसी कपड़ों के साथ, क्योंकि मैं हम घर नहीं जा रहे हैं वापस चंडीगढ़, हम जा रहे हैं कहीं और। तो रास्ते में मैंने मतलब यहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहुँच के बताऊँगी आपको, उसके लिए बने रहो। रास्ते में एक जगह आती है जहाँ के ये जो ना मतलब हम तो इसको बोलते हैं लड्डू करारे मसाले वाले। हाँ हम इसको बोलते हैं करारे खट्टे मसाले वाले लड्डू पंजाब साइड में। ये हम आ गए पंजाब से बाहर और एक जगह है मेरी जगह से लखनपुर के ये है पल्ले। हाँ ये बंदा गवाह बैठे हैं पल्ले खाई लो पल्ले आज मैं पीछे बैठे रहा हूँ। सो ये बड़े मशहूर थे यार, इसके लिए हमने ब्रेक लगाई थी। पल्ले मशहूर ही होंगे यार, भावे वो लखनपुर दे होने भावे लुधियाने दे होने, जसविंदर भल्ला जी मैं खान वाले पल्लिया की गल की है। मेरे टीममेट ने भी उन्हें कहा कि तुम जो उत्थे जा रहे हो तुम ये जरूर खा के जाइए, बहुत टेस्टी होंगे। सो मैं क्या चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेता हूँ, थोड़ा खा भी दीजिए। सो अपने दो तरह के भल्ले लेते हैं, एक लेते हैं नमक मतलब चटपटे वाले नमकीन टाइप्स और एक लेते हैं आप दही वाले जिन्हें कहते गिले भल्ले। सो आ इंजॉय करते हैं, फिर डेस्टिनेशन पर पहुँच के थोड़ा दस दें कि आप कितने जा रहे हैं। चलो आज तो समझ गए हो ना, हम आए हैं वैष्णो देवी माता जी के। एक्साइटमेंट थी ही इतनी कि कार पार्क करने के बाद हमने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा, पब्लिक वॉशरूम में ही कपड़े चेंज करे फटाफट से और अपनी चढ़ाई जो हमने शुरू कर दी। सो जकारा शेरा वालिदा, बोल सच्चे दरबार की जय। माता रानी के दर्शन के लिए वैष्णो देवी आ गए हैं। शक्ल देख रहे हो पूरी थकी हुई है, एनर्जी टूटी हुई है, एनर्जी नहीं टूटी तो शक्ल से थकी सी हूँ मैं। टाइम का कुछ पता नहीं है, घर से बस जय माता की नाम लिया माता जी को, हम चल पड़े। कुछ प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, बस जो हुआ फटाफट से हो गया। रास्ते में मैंने अपनी दर्शन पर्ची की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा ली, वो भी हो गई अच्छे से। तो करते करते हम यहाँ जम्मू कटरा में पहुँच गए थे। कुछ मतलब हमें प्लानिंग कुछ और करी थी कि अब जा रहे हैं तो रात को होटल में थोड़ा स्टे करके फ्रेश होके फिर निकलेंगे, कोई स्टे नहीं करा क्योंकि रास्ते में जाम मिल गया। और हमें कहा कि हमें सुबह की जो आरती है ना वो 5 बजे से पहले पहले द्वार तक पहुंचना है भवन तक, क्योंकि उसके बाद गेट जो है वो बंद हो जाएंगे और एंट्री नहीं होगी। इसलिए हमने सोचा कि कार लगाओ सीधा एंड पॉइंट पे और चलने की करो। तो बस हमने कार पूरे पॉइंट पे पार्क करी है और हम निकल गए हैं। 11:40 पे हमने शुरू कर दिया चढ़ाई और हमारा टारगेट है कि 1 बजे तक ना 6 किलोमीटर जो है अर्धकुंवारी का रास्ता वो हमने कंप्लीट कर देना है, सो दैट हम भवन की जो आरती होनी ना सुबह की उसको मिस ना करें। उसके भी अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, फ़ोन वोन कुछ नहीं चल रहा है, जिनको कॉन्टैक्ट करना है पता नहीं कैसे करेंगे। बस वही है ना कि जाना था तो जाना ही था और सब कुछ होना ही था कि माता ने बुलाया है तो सब कुछ अपने आप बन गया है। इसलिए कोई स्टॉप नहीं लग रहा है, एटीएम ढूंढा था उसके लिए फर्स्ट स्टॉप लगाया, अभी कोई स्टॉप नहीं लगने वाला। जय माता। गाइस 2:05 हो गए हैं,
जो हमने टारगेट सेट करा था कि 1 बजे हम अर्धकुंवारी मंदिर जो है वो वहाँ पे पहुँचेंगे। 1:30 बजे पहुँच गए, थोड़े ब्रेक्स ले लेके, थोड़ा आगे पीछे भी हो गए थे, और फाइनली इकट्ठे हो गए हैं एंड यात्रा जा रही है। हवा बड़ी अच्छी चल रही है रात के टाइम पे, मौसम बड़ा अच्छा है इस टाइम पे, तो बस थोड़ा बीच में रेस्ट ले रहे हैं। मज़ा भी बहुत आ रहा है, थक भी बहुत रहे हैं, बट पौड़ियाँ जो था सफा कर लिया, इतने से हो रहे पौड़ियाँ। Oh my God, क्या हवा चल रही है, मजेदार। अगर बारिश पड़ेगी कल सवेरे, वाह बहुत सोना हो गया। 2 मिनट रुक जाओ, हवा ही नहीं खान देंगे यार। अगर पानी ले लो, ये बंदा ना कुछ खान दिंदा ना सानू रेस्ट करन दिंदा, बिल्कुल भज्जी जांदा भज्जी जांदा भज्जी जांदा। मैनू ऐ मैं फटाफट मत्था टेक के सो जावां जाके ते। तो बस इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब यात्रा स्टार्ट करी मेरे को इतनी सांस चल रही थी, मेरे को यहाँ पे पेन सा हो रहा था, पर धीरे धीरे हवा वगैरह चलने लग गई। कहाँ पेन हो रहा था? कान में मतलब पूरी ऐसे कानों में हवा क्रॉस हो रही थी, तो मेरे को यहाँ पे इतना हैवी हैवी लग रहा था ना। बट फिर लेटर ऑन थोड़ा खाते पीते गए बीच में, तो ठीक है गाइस, अब मैं नेक्स्ट आपको स्टॉप लगाऊंगी सीधा भवन पे। तो मैं इस बार दरबार पे आई हूँ पूरे 5 साल, लगभग 5 साल के बाद आई हूँ। तो इन 5 साल में बहुत सारी चेंजेस हो चुकी थी, तो मैं इस पूरी वीडियो में ना आपको कुछ कुछ पॉइंट्स देती जाऊंगी जो कि मैंने ऑब्जर्व करा कि वो करोगे तो आप अनप्लान ट्रिप को भी ना बहुत अच्छे से जो है पूरा कर सकोगे। तो पॉइंट नंबर 1, जैसे कि मैंने रस्ते में ही अपना जैसे ड्राइव मतलब हम कर ही रहे थे जब पहुंचे नहीं थे अपना कटरा तक, तो मैं रस्ते में ही ना ई टिकट जो दर्शन पर्ची होती है ना वो ऑनलाइन पर जाके माता रानी का पूरा वो आ जाता है, मैं नीचे दे दूंगी लिंक, वहां जाकर आप ना अपनी ई पर्ची बुक करवा लो पहले ही, सो दैट क्योंकि 10 बजे मैक्सिमम टाइम होता है आपको कटरा से पर्ची मिलती है, दर्शन पर्ची आप ले सकते हो। बट हमें पता था कि अगर हम बाय चांस लेट हो जाएंगे तो मुश्किल होगा, इसलिए मैंने वो रस्ते में करवा ली थी। अब हम भवन पहुंच चुके हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही, और मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ भवन के दूर से ही, क्योंकि अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ से आप दर्शन कर लीजिए, हाथ जोड़ के सारे मन्नतें मांग लीजिए, थैंक यू कर दीजिए, जो जो चाहिए माता रानी से सब, बस आंखें बंद करके सब कुछ कह दो माता रानी से। तो बस मैं आपको पहले दर्शन करवा रही हूँ, क्योंकि हम बस अभी लाइन में लग जाएंगे अंदर। तो प्लान तो हम ये करके चले थे कि हमें सुबह की जो आरती है वो करनी ही है, बैठ के आरती करके ही जाएंगे, पर हम नहीं कर पाए वो प्लान, बना भी ऐसे था एकदम से तो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे, मतलब इस टाइम पर इतना रश था वहाँ पे कि अगर हम लाइन में लगते अच्छे से तो बहुत टाइम लगता हमें दर्शन करने में। पर हम पहुंचे भवन पे पूरे टाइम पे कि 5 बजे गेट खुला और हमने दर्शन कर लिए पूरे 10 मिनट में, इतने खुले दर्शन होने, खुले मतलब बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं थी, इतना रश था मतलब इतनी यात्री थे, फिर भी इतने आराम से हमारे दर्शन हुए कि मज़ा ही आ गया। इतने सालों में ऐसे दर्शन सच्चे में मैंने नहीं करे कभी, क्योंकि रात का टाइम था, सुबह हो रही थी और उस मतलब चिड़ियों की बस आवाज़ें आ रही, इतना शांत, कोई धक्कम धक्का नहीं, बड़े आराम से दर्शन में, बड़ा ही मज़ा आया। और ये उरन खटोला ये स्टार्ट हो चुका है, अगर आपको भैरव मंदिर तक जाना है तो ये आप ना भवन से ही काउंटर है वहाँ से पर्ची लेके अपनी 100 रुपीज़ की पर्ची अप एंड डाउन की, उसमें आप जाके दर्शन कर सकते हो। इसका भी हमारा प्लान था पर हम इतनी जल्दी फ्री हो गए थे कि जो काउंटर था वो खुला ही नहीं था, इवन हम इतने थक चुके थे कि हमें था कि हम थोड़ा सा ना हेलीपैड में वापस चले जाते हैं, तो जाना क्यों चल के नहीं जाया जाएगा, बट हेलीपैड की भी जो काउंटर होता है वो भी नहीं खुला था। तो फिर हमने सोचा थर्ड प्लान की चले जाए यहीं पे भवन में, जो रूम्स होते हैं ना अवेलेबल होते हैं आसपास, वहाँ पे रूम्स लेके थोड़ी रेस्ट करते हैं, बट वो भी अवेलेबल नहीं थे। तो मतलब आपको अगर ये सारी फैसिलिटीज चाहिए ना तो इसके लिए आप पहले ही अपनी टिकट जो है ऑनलाइन बुकिंग करवा के आओ, हर चीज़ की ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल है, आप पहले ही करवा कर आओ तो ही आपको सब कुछ अवेलेबल हो सकता है। और ये देखो ये अभी हेलीपैड सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, ये भी 8:30 के आसपास शुरू होती है, और हम इस टाइम पे हैं सांझी छत पे, आपने ये जो स्क्रीन देखी यहाँ पे आरती चल रही है लगातार, तो बड़ा ही बढ़िया मतलब बहुत अच्छा रहा, अनप्लान ट्रिप भी बहुत अच्छे से हो गया। गाइस देखो अब हम उतराई कर रहे हैं और बादल पहले एकदम नीचे थे, अब नीचे से ऊपर आ रहे हैं, लुक ये पूरा थोड़ा फॉगी फॉगी सा हो रहा है, अंदर अंदर को आ रहे हैं, कैमरे में दिख रहे हैं।
टिक्का लगा हुआ, सब पता चल रहा है। ये दर्शन हो गए हैं, ये बेचारा हमारा एक पट्टर भाई, दूसरी मैं, तीसरे हस्बैंड। तो पूरे टाइम पे पहुंच गए थे हम, और पर प्लान था कि मैं हाथ धो के चेंज करके जाऊंगी। मैं तो स्पेशल सूट लेके आई थी अपना रेड कलर का, कि शादी के बाद जा रही हूँ पहली बार, अच्छे से बिंदी बिंदी लगा के जाऊंगी, थोड़ा मत्था टेकने, थैंक यू करने माता रानी को, क्योंकि मन्नत मांगी थी, मन्नत पूरी हुई है, वो इसी का थैंक यू करने स्पेशली मेरे को आना था। मन्नत थी आपके जीजू सूरी जी, तो मतलब मैं जब लास्ट टाइम आई थी 5 साल पहले, तो मैं माता रानी को बोल गई कि नेक्स्ट टाइम मेरे को इनके साथ ही बुलाना, बट कोविड आ गया कि इतना लेट हो गया, आए नहीं हुए। मेरी शक्ल कैसी लग रही थी कल से, तीनों जने हम बहुत 5-5, 6-6 घंटे सोए थे, उसके बाद चल पड़े थे घर से, और हमें तो बैंड बजी एक नहीं, मेरा पूरा ग्रीस ही खत्म हो गई, जैसे लंगड़ा लंगड़ा के नीचे उतर रही हूँ। मैं कर नहीं पाई, मैं उसके ब्लॉग होंगी ना, आरती चल रही थी, भजन कीर्तन चल रहे हैं, तो मेरे को तो कॉपीराइट आएगा, आपको सुनेगा आपने, कुछ मैंने करा नहीं, अभी पता नहीं पीछे आ रहा है, तो मैं शायद वॉइस ओवर करूँ सारा। ये सीन अभी का, नीचे उतर रहे हैं हम, उतर के फिर आपको मिलते हैं। हाँ यार, हम आधा रास्ता आ गए थे पैदल, उसके बाद मेरी तो एक नी ने जवाब दे दिया, और ये दोनों नंगे पैर से चढ़ाई करी थी, तो इनके पैरों में चंगे छाले वगैरह सब पड़ गए। फिर हमने अब अध कुआरी से, मतलब हाफ रास्ता जो रह गया नीचे तक, तो हमने घोड़ी कर ली है, या घोड़ा कर लिया है, पता नहीं मुझे, ये घोड़ी है घोड़ा। तो बस अभी थोड़ा मौसम भी अच्छा ही है, इस टाइम पे धूप नहीं निकली है, तो बस इन्जॉय कर रही हूँ। बस निकल, हमने एक राउंड ले लिया अभी, अभी थोड़ा वो फॉर्मेलिटी सी है, उसके बाद हम जाएंगे। ये है मेरी धन्नो, तो बस यार अब मैं होटल जाके मिलूँगी, उनकी एनर्जी नहीं है, पर दर्शन इतने सुंदर दर्शन हुए थे ना, मतलब हम, हमारा टारगेट था कि 5 बजे पहुंच जाएं किसी भी तरह, हम 4:40 तक पहुंच गए थे, मतलब भवन में पहुंच गए थे। तो बस लॉकर में सामान वगैरह रखना था, और ऊपर नहाने का टाइम नहीं लगा, तो ऐसे ही जो कपड़े में ट्रैकिंग वगैरह शुरू करी थी, इसी में ही फिर हमने आगे कंटिन्यू करा, और 5:15 तक हमारे दर्शन एकदम बड़े मज़े से, बड़े आराम से, बड़े खुले दर्शन से करते हैं वो हो गए थे। चलो भाई होटल जाके मिलते हैं। गाइस हाय, फाइनली मैंने सूट पहन लिया, सूट तो मैंने काफ़ी टाइम का पहनना है, मतलब होटल किया वापस आके, उसके बाद नहा के जो सोए हैं अभी 8:30 हो गए हैं, अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए, खाना खाएंगे। बहुत भूख लगी, मेरे को तो बहुत भूख लगी है, और आंखें कैसे सूजी हुई है, पूरा चेहरा भी सूजा हुआ है, पूरा बॉडी सूजी हुई है, चेहरा तो छोड़ो। अभी जाएंगे बाज़ार, प्रसाद लेंगे, बच्चों के लिए कुछ पसंद आएगा वो लेके जाऊंगी, बस ढाबे पे जाके मिलते हैं, भूख बहुत लगी मेरे को तो। तो बस इस मोमेंट पे हमने खाना खा लिया था और प्रसाद ले लिया था, और बस मैं गोलगप्पे खा रही हूँ क्योंकि मेरा पेट डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा बाहर आके। तो बस यार इसके बाद थोड़ा सा मैं चाहती थी मैं बाज़ार और घूम के आऊँ, कटरा का जो मेन नीचे टाउन है पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि इतने सालों की मेमोरीज है, हर साल पापा हमें लेके आते थे, और इतना मतलब मेरे को इतने टाइम के बाद में आई थी, बट मेरी सारी यादें इतनी ताज़ा हो गई थी कि मेरे को हर चीज़ एकदम ना रिकॉल हो रही थी कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ होती थी, यहाँ पे ये चीज़ होती थी, इतना मतलब मैंने पापा को मिस करा। बट या ओवरऑल बहुत अच्छा गया ट्रिप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आज नेक्स्ट डे है, सुबह के आई थिंक 9 कुछ बज रहे हैं ऐसे। तो होटल हमने ले लिया था कल रात को, जब हम भवन से वापस आ गए थे अपनी यात्रा पूरी कम्प्लीट करके। तो अभी मैं आपको रूम से मतलब व्यू है पहाड़ी का, जहाँ से पूरा रास्ता दिख रहा है, पूरा तो नहीं कुछ रास्ता दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। तो इसी साथ ही मतलब आज की गुड मॉर्निंग जो है वो और ज़्यादा गुड गुड हो जाएगी। वेट, आई शो यू व्हाट। सो इस विंडो से ये ग्लास लगा हुआ तो इतनी क्लियर नहीं लग रही है, बट सी ये पहाड़ी का जो ब्लू आपको लाइन्स दिख रही है ना, बीच में ज़िगज़ैग सी, ये पूरा मतलब जो रास्ता बनाया हुआ ना, शेड करा हुआ ऊपर ब्लू कलर की, वो है जहाँ से आप चढ़ाई चढ़ के जाते हो, सारा ट्रैकिंग का रास्ता है। और ऊपर मौसम देखो ज़रा, ये शीशा एकदम वाइट है, बट मौसम इतना बढ़िया हुआ है कि सारे जो पहाड़ है ना वो एकदम कवर हुए हुए हैं बादल से,
नौ साढ़े नौ के आसपास का कुछ टाइम है मॉर्निंग का और सारा कवर हुआ हुआ है। तो इतना बढ़िया वेदर है इस टाइम पे और ये कोई स्टेडियम है पीछे, आई डोंट नो कौन सा स्टेडियम है, तो इतना सुंदर लग रहा है ना ये व्यू, मैंने सोचा आपको ज़रूर दिखाऊँ और दर्शन कराऊँ सुबह सुबह। ओके तो इसी के साथ ही मेरी बैटरी जो है कैमरा की हो गए वाली एकदम से बंद, फिर भी दो दिन निकाली इसे बहुत बड़ी बात है। तो यार थोड़ी थोड़ी ठंडी है, ज़्यादा ठंडी नहीं है, थोड़ी सी ठंडी है, इसलिए मैंने स्टॉल लिया हुआ अपना। तो बस थोड़ी देर में हम चेकअप करने वाले हैं और निकल पड़ेंगे वापस चंडीगढ़ के लिए। जी बस अगर आपने भी चिट्ठी डाल रखी है माता रानी के पास तो आपको भी बुलावा जल्दी ही आएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन ख्याल रखिए, सेफ रहिए और सब भक्तों को जय माता दी, बाय बाय।